दोस्तों ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख है मुझे कि मेरे चैनल के लिए जो क्रिएटर अवार्ड है, जो सिल्वर प्ले बटन है, आपको भी पता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर मेरे बहुत पहले हो गए थे और आज मेरे चैनल पर 1,75,000 सब्सक्राइबर्स है। कितने हैं? 1,75,000 सब्सक्राइबर्स। और मुझे क्रिएटर अवार्ड प्ले बटन मिलेगा या नहीं मिलेगा कैसे चेक करना है? अगर आपके भी चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो कैसे आपको अप्लाई करना है अगर आपको रिडीम कोड नहीं आता है? जैसे कि मेरे चैनल पर रिडीम कोड नहीं आया था क्योंकि मेरे चैनल पे क्या था कि कॉपीराइट स्ट्राइक थी पहले। अब देखिए मेरा चैनल बिल्कुल यहां पर फ्रेश है, ना तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है एक्टिव, ना तो गाइडलाइन स्ट्राइक है और मेरे चैनल का नाम है टेक चैंपियन सपोर्ट। तो मुझे प्ले बटन मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं आपको बता दूं, मैंने चेक किया, मुझे प्ले बटन नहीं मिल रहा। आखिर कैश क्यों नहीं मिल रहा, क्या वजह उसकी कि मुझे प्ले बटन नहीं मिल रहा? यार वो गलतियां आप नहीं करेंगे जो शायद मैंने की है। और मुझे बहुत ज्यादा दुख है आज यार कि यार इतना जो मेरा चैनल था टेक चैंपियन उस पर भी मुझे ना तो सिल्वर प्ले बटन ना गोल्ड प्ले बटन, ट्रेडमार्क इश्यू की वजह से। और मेरा जो ये चैनल है जिस पर मैं आप देख सकते हैं टेक चैंपियन सपोर्ट पे 1,75,000 सब्सक्राइबर्स हैं और इस पर भी प्ले बटन नहीं मिल रहा। तो कैसे आपको चेक करना है अगर आपको आपको चाहते हैं कि आपको सिल्वर प्ले बटन मिले? तो उसके लिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूं कि मेरे चैनल का आखिर क्यों नहीं मिल रहा, क्या रीजन है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, जो गलतियां आपको नहीं करनी है। और मुझे वाकई में लगता है कि यार मेरे साथ ही सब कुछ होना था क्या, मतलब नया चैनल बनाया उसमें भी मेहनत किया। और दिखाता हूं मैं आपको, सबसे पहले यहां पर मैं डालता हूं कैसे आप अगर आपको कैसे करना है, ठीक है? तो यहां पर मैं डालता हूं YouTube क्रिएटर अवार्ड, आपको सर्च करना है गूगल पे YouTube क्रिएटर अवार्ड, ठीक है? मैंने यहां पर अवार्ड सर्च किया, सबसे पहले आपके पास लिंक आएगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। मैं यहां पर चेक करता हूं और आपको भी चेक करना है कि आपको क्यों नहीं मिल रहा है, आपको क्यों रिडीम कोड नहीं है। वैसे तो यहां पर आपको जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, अगर आपके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद आपके चैनल पर कोई भी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर कॉम्पिटेटिव स्ट्राइक नहीं होती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, रिडीम कोड आ जाता है। लेकिन मेरे को नहीं आया था क्योंकि मेरे पास कॉम्पिटेटिव स्ट्राइक थी पहले से, वो भी रिमूव हो चुकी है। अब मैं अप्लाई करूंगा, कैसे चेक करूंगा कि एलिजिबल है या नहीं मेरा चैनल? चलिए यहां पर चेक करते हैं। प्रेजेंट टाइम में मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो ये वाला लिंक ओपन हो जाता है, ठीक है? अब यहां पर आपको भी पता है कि सिल्वर प्ले बटन 1,000 1 लाख सब्सक्राइबर पे मिलता है, 1 मिलियन पे गोल्ड मिलता है और डायमंड और क्रिएटर अवार्ड मिलता है आपको 10 मिलियन पे, ठीक है? तो अब मैं कैसे चेक करूंगा, यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑप्शन है। अब यहां पर आपको कहां पर जाना है, कैसे चेक करना है, आप कैसे चेक करेंगे कि आपके चैनल को मिलेगा या नहीं मिलेगा? यहां पर जाना है क्रिएटर अवार्ड, यहां पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास रिडीम कोड आ जाता है तो वहां से आपका गेट माई रिवार्ड यहां पर आपको क्लिक करना है, इस वेबसाइट पे आपको डालना होगा वो जो आपका रिडीम कोड होगा, ठीक है? लेकिन यहां पर देखिए मैं चेक करूंगा पहले एलिजिबिलिटी करना है तो यहां पर क्लिक करना है, ये पेज आ जाता है आपके सामने और यहां पर आप देख सकते हैं YouTube क्रिएटर अवार्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहां पर क्राइटेरिया देखिए यहां पर क्या है कि सिल्वर प्ले बटन के लिए 1 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए, इसके बाद लास्ट 6 मंथ में आपका एक्टिव होना चाहिए, जो कि मेरा कंप्लीट है, सारी चीजें ये भी कंप्लीट है मेरा, ठीक है? और यहां पर ये कंप्लीट है। चलिए अब मैं यहां पर चेक करूंगा, कैसे आप चेक करेंगे? यहां पर मैं नीचे जाता हूं, यहां पर कुछ कंट्री हैं जिसके लिए नहीं दिया जा सकता है, अभी जितने भी कंट्री हैं यहां पर कोई भी क्रिएटर अवार्ड नहीं दिया जा सकता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है? और ये यहां पर लिखा हुआ है कैन नॉट बी डिस्पैच्ड द फॉलोइंग कंट्री एंड रीजन, ठीक है? अब यहां पर आता है ये बटन आ गई क्रिएटर अवार्ड एलिजिबिलिटी की, ठीक है? तो इस बटन पर अब आपको क्लिक करना है, तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं, ठीक है? मैंने क्लिक किया, मेरे सामने पेज आ जाता है। अब यहां पर ये ईमेल जो है करेक्ट है, चलिए करेक्ट ईमेल है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैं यस करता हूं और इसको कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है? जैसे मैंने कंटिन्यू की क्लिक किया, अब यहां पर आता है कि अंडरस्टैंडिंग योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थैंक फॉर कंफर्मिंग, और इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, ठीक है? मैंने नेक्स्ट किया। अब इसके बाद क्या करता है कि आपको अपने चैनल का URL डालना है, URL, यहां पर मैं अपना URL पेस्ट कर देता हूं, यहां से मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और इसके बाद कंटिन्यू करता हूं, ठीक है? जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो आप खुद देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, नॉट करेंटली एलिजिबल सिल्वर प्ले बटन के लिए, हमारा ये चैनल है नॉट करेंटली एलिजिबल, ये देखिए। अब ये क्यों आया है, क्या रीजन है वो भी देख लेते हैं एक बार। यहां पर दिया गया योर चैनल डज नॉट करेंटली मीट अवर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सॉरी क्या लिखा हुआ है, हमारा चैनल अभी करंट में हमारे क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है? नहीं कर रहा है। वी हैव रिव्यू योर चैनल एंड फाउंड दैट इज रिलेटेड टू अदर चैनल्स। अब बताइए, मतलब कि मेरा जो चैनल है वो रिलेटेड है अदर चैनल से, ठीक है?
दैट हैव बीन सस्पेंडेड ड्यू टू कॉपीराइट स्ट्राइक या वॉलेटिंग यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस टर्म एंड सर्विसेस। मतलब कि जो मेरा चैनल है अभी एलिजिबल नहीं है क्योंकि जो मेरा चैनल है वो रिलेटेड है अदर चैनल से, जैसे कि मेरा पहला चैनल था टेक चैंपियन नाम से और उस पर भी ट्रेडमार्क इशू होने की वजह से मेरे चैनल को कोई भी क्रिएटर अवार्ड बटन नहीं मिला दिया गया। अब यहां पर दिखा रहा है कि आपका क्या है ना, ये सारी चीजें सही है। अब यहां पर क्या है कि अगर आपका चैनल जो रिलेटेड जो चैनल था आपका पुराना, ठीक है, जो रिलेटेड था उस, वो आपका चैनल सस्पेंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से हुआ हो, चाहे वो गाइडलाइंस स्ट्राइक की वजह से हुआ, कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक की वजह से। फॉर दिस रीजन इट इज नॉट करंटली इलिजिबल फॉर ए क्रिएटर अवार्ड। इस रीजन के वजह से मेरा चैनल इस क्रिएटर अवार्ड के लिए सिल्वर प्ले बटन के लिए इलिजिबल नहीं है। अगर आपका इफ द रिलेटेड चैनल्स, जो पुराना चैनल है जो रिलेटेड चैनल था, अगर ये रीइंस्टेट हो जाता है, चालू हो जाता है, यू मे रिक्वेस्ट टू बी कंसीडर फॉर ए क्रिएटर अवार्ड। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्रिएटर अवार्ड के लिए। अब बताइए भाई साहब, मतलब कि ये टेक चैंपियन चैनल तो गया, उसके बाद मैंने, मुझे लगता है कि ये चैनल का जो नाम है ये टेक चैंपियन, ये टेक चैंपियन ये मेरे पुराने चैनल का नाम है और इस चैनल से रिलेटेड था वो, और वो डिलीट हो गया कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। सिर्फ मैंने सपोर्ट लगाया और मेरा चैनल एलिजिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जो ये मैसेज मेरे सामने शो कर रहा है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं इस रीजन से। अब मुझे क्या लगता है कि भाई मेरा चैनल जो है, ये जो है टेक चैंपियन सपोर्ट, इससे शायद मुझे प्ले बटन अवार्ड नहीं मिले। वहां दे गया कि क्योंकि ये रिलेटेड है पुराने चैनल से, जो टेक चैंपियन था उसी के जैसे मैंने नाम रखा। यहां पर ये गलती मेरी थी कि यहां पर मुझे ये नाम रखना ही नहीं चाहिए था, टेक चैंपियन सपोर्ट, यहां पर ये नाम मुझे रखना ही नहीं चाहिए था, टेक चैंपियन सपोर्ट। बहुत बड़ी, मुझे आज बहुत ज्यादा दुख है, यहां पर मुझे टेक चैंपियन सपोर्ट लिखना ही नहीं चाहिए था, टेक चैंपियन लिखना ही नहीं। यहां पर मैं अपना नाम रख सकता था अंशु मौर्य, या फिर मैं कुछ और रख सकता था, ठीक है। ये देखिए अब दोस्तों क्या है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, उसमें भी एक ही ऑप्शन था उस चैनल पर, कि मुझे अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ेगा। और वही चीजें फिर से इस चैनल पर मेरे साथ आ गई कि अब मुझे अपना नाम, मैं या तो ये जो चैनल का है, मैं टेक चैंपियन सपोर्ट इसका नाम चेंज करूं, अपना नाम रखूं और क्रिएटर अवार्ड बटन लूं और इसके बाद फिर से नाम चेंज करके वापस यही नाम रख दूं। यही एक ऑप्शन है मेरे पास, अगर मैं क्रिएटर वो सिल्वर प्ले बटन चाहता हूं तो। वरना भाई साहब यही चीजें पहले मेरे साथ हुई हैं और आप तो खुद देख सकते हैं ये चीजें आ चुकी हैं। और क्या बताऊं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही है। मैंने नाम, पिछला क्रिएटर अवार्ड नहीं मिला और इस बार भी वही चीजें हैं। तो अगर आप भी क्रिएटर हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका पुराना चैनल सेम नाम से डिलीट हो जाता है, तो दोबारा उसी नाम का चैनल बिल्कुल मत बनाइएगा, उसे रिलेटेड चैनल बिल्कुल मत बनाइएगा, बिल्कुल अलग रखिएगा आप। मेरे सामने ये चीजें आ रही हैं। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं इसका नाम चेंज करूं चैनल का। आई होप गाइस कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यार क्या मैं अपने चैनल का नाम चेंज करके अपना प्ले बटन ले लूं या ना ले लूं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही दुखद की बात है कि मैं यूट्यूब पर 5-6 सालों से काम कर रहा हूं और आज तक मुझे सिल्वर प्ले बटन नहीं दिया गया। और इस चैनल पर ना भी कोई ऐसी एक्टिविटी है, ना चैनल पे स्पैमिंग है, ना कुछ है, सारा कंटेंट जेन्युइन ट्रैफिक है, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स है, सारी चीजें हैं। मैं इस चैनल पर सारी चीजें खुद से किया हूं, सारे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कोई भी पैसे से खरीदे नहीं गए, फिर भी मेरे चैनल पे ऐसा क्यों हो रहा है वो मैंने रीजन आपको बता दिया। और करंट में आप खुद देख सकते हैं अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल पे सब कुछ सही है, फिर वाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है यार। तो आई होप गाइस कि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिली होगी कि कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप भी चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है ये तो मुझे नहीं पता। मैंने बता दिया कि वही इशू हो सकता है, शायद मुझे नाम चेंज करना पड़ सकता है अपने चैनल का। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आगे चेंज करूंगा, क्योंकि भाई फिल्टर पे बटन है, एक बार तो चाहिए चाहिए। तो आई होप गाइस कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बुरी है और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना यार, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।